सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, उनके क्या फायदे और नुकसान हैं, कैसे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में मार्केट कैपिटलाइजेशन और शेयर प्राइस के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पहले ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप एक्चुअली मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसाइड होता है कि किसी कंपनी का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब कि उस कंपनी की मार्केट में वैल्यू कितनी है। लेकिन जब आप इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे तो आपको अलग अलग डेफिनेशन सुनने को मिलेंगी, कि कोई कहेगा कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी लार्ज कैप होती है, कहीं पे आपको 20,000 करोड़ की वैल्यू देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप में कहीं पे आपको 250 करोड़ की वैल्यू देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ की वैल्यू देखने को मिलेगी। तो अब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, ये एक्चुअली कोई यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसी के लिए सेबी ने इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए एक सर्कुलर निकाला था 2017 के अंदर। और म्यूचुअल फंड्स क्योंकि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए बेसिकली सर्कुलर निकाला गया था। तो हम वही एग्जैक्टली देखेंगे कि एक्चुअली डेफिनेशन क्या दी है सेबी ने। फिर साथ में हम ये भी समझेंगे कि आपको कैसे चयन करना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए कि आप स्मॉल कैप में या मिड कैप में या लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जानने के लिए हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन समझना जरूरी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, फिर भी एक बार हम समरी में उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो भी कंपनी लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसका एक शेयर प्राइस होता है। अगर आप उस शेयर प्राइस से टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जितने भी हैं उस कंपनी के, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, ये बेसिकली उस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू है। अगर किसी को ये कंपनी खरीदनी हो तो उसको ये टोटल मार्केट वैल्यू पे करनी पड़ेगी, तो वो कंपनी खरीद पाएगा। तो आई थिंक मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की डेफिनेशन देखते हैं एज पर सेबी सर्कुलर। सेबी ने सर्कुलर निकाला था 6 अक्टूबर 2017 को, मैं आपको सर्कुलर भी दिखा दूंगा। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड स्कीम्स को यूनिफॉर्म करने के लिए है, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाता है कि लार्ज कैप एग्जैक्टली है क्या, मिड कैप एग्जैक्टली क्या है और स्मॉल कैप क्या है। तो सेबी के हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज वो हैं जो टॉप 100 कंपनीज हैं एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जितना भी उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो जो टॉप 100 कंपनीज हैं फर्स्ट से लेके 100 तक, वो लार्ज कैप में आती हैं। मिड कैप में 101st से लेके 250th तक जो भी कंपनी आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो मिड कैप कंपनी हो गई। और स्मॉल कैप कंपनी आपकी 250 ऑनवर्ड्स जितनी भी कंपनीज हैं एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो स्मॉल कैप हो गई। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं ये सारी कंपनीज कौन सी हैं, तो आप निफ्टी 100 इंडेक्स फॉलो कर सकते हैं। निफ्टी 100 इंडेक्स में आपको ये फर्स्ट 200 कंपनीज मिल जाएंगी। उसके बाद एक निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स होता है, उसके अंदर आपको ये 150 कंपनीज मिल जाएंगी। और ये जो आपको 250 ऑनवर्ड्स जो कंपनीज हैं, इसके लिए आप निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फॉलो कर सकते हैं। निफ्टी का ये जो 250 स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये 250 से लेके 500 तक वाली सारी कंपनीज जो एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उनका इंडेक्स होता है। चलिए मैं आपको क्विकली ये सर्कुलर भी दिखा देता हूं, और ये निफ्टी की वेबसाइट पे हम देख भी लेते हैं कि ये आपको इंडेक्स पता कहां से चलते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ये सर्कुलर देख लेते हैं। सेबी का ये सर्कुलर है 6 अक्टूबर 2017 का। ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए है, कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो देखिए, यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को डिफाइन किया गया है। लार्ज कैप हो गई आपकी फर्स्ट 200 कंपनी इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, मिड कैप हो गई आपकी 100th to 250th कंपनी इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, और स्मॉल कैप हो गई आपकी 250 first कंपनी ऑनवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हम क्विकली निफ्टी में भी देख लेते हैं कि आप ये कैसे कंपनीज देख सकते हैं। देखिए, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है nseindia.com। आप अगर गूगल में भी टाइप करेंगे निफ्टी 100 इंडेक्स तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है ये टॉप 100 कंपनीज हैं, टॉप 100 स्टॉक्स रिप्रेजेंट करता है ये निफ्टी 100 इंडेक्स।
और देखिए यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये 75% मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना भी है टोटल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, उसका 75% मार्केट शेयर सिर्फ 100 कंपनीज के पास है। तो दैट मीन्स लार्ज कंपनीज जो हैं, टॉप 100 कंपनीज, वो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनीज हैं, राइट। अब चलिए हम नेक्स्ट 150 मिड कैप इंडेक्स देख लेते हैं। आप यहां से जा सकते हैं, ये देखिए यहां पे निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स आपको मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ये वेबसाइट है, हम नीचे आ जाते हैं। तो ये पढ़िए अब 150 कंपनीज, ये 101st से लेकर 250 तक आपको ये दे रहा है ये कंपनीज, और इनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 13.5% है। तो 75% तो वहां पे हो गया 74.8, और ये करीब 13.5 हो गया, तो ये करीब 88% तो यहां पे ही कवर हो गया आपका टोटल मिला के। फिर अब हम देखते हैं स्मॉल कैप में, ये देखिए स्मॉल कैप आपको 250 इंडेक्स मिल जाएगा, आपको ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ये करीब करीब 7% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो निफ्टी की टोटल टॉप 500 कंपनीज हैं, 100 तो हो गई आपकी लार्ज कैप, फिर आपकी 150 हो गई मिड कैप, और ये 250 हो गई आपकी स्मॉल कैप, ये टोटल 95% कवर कर लेती हैं टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। आपको ये 500 इंडेक्स वाला भी यहां पे मिल जाएगा, ये टॉप 500 कंपनीज यहां मिल गई। देखिए यहां पे भी क्लियरली लिखा है कि ये करीब 95.2% टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ये टॉप 500 कंपनीज, और इस 95.2% में से 74.8% तो टॉप 100 कंपनीज ही हैं। चलिए अब हम इन स्टॉक्स को लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप को कंपेयर कर लेते हैं कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, जैसे कि रिटर्न पोटेंशियल कितना रहता है इनमें, रिस्क किस तरीके के रहते हैं, लिक्विडिटी मतलब वॉल्यूम कितना ट्रेड होता है, अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है तो आप उसको बेच पाएंगे कि नहीं, उसके लिए आपको खरीदार मिलना भी तो जरूरी है। फिर वोलेटिलिटी कितनी रहती है, वोलेटिलिटी का मतलब है कि डेली बेसिस पे प्राइस कितना ऊपर नीचे जा रहा है, उसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं, वो भी हम देखेंगे इनमें कैसा कैसा रहता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, वो कैसे स्टॉक्स के अंदर ज्यादा निवेश करते हैं, और फिर साथ में हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप कंपनीज की बात करते हैं, रिटर्न पोटेंशियल कैसा रहता है लार्ज कंपनीज के अंदर, मॉडरेट रहता है, क्योंकि ये कंपनीज इतनी ज्यादा बड़ी हो गई हैं कि इनके लिए नए बिजनेसेस और न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब मान लीजिए कोई एक कंपनी 3 लाख करोड़ का उसका ऑलरेडी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो उससे ज्यादा ग्रो कितना कर पाएगी, वो अगर उसको डबल करने के लिए 6 लाख करोड़ पहुंचना होगा, तो इसीलिए इनका रिस्क पोटेंशियल मॉडरेट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इनका रिस्क भी लो होता है। तो जब अगर मार्केट गिरती है बाई चांस, तो ये जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, ये काफी स्टेबल बिजनेसेस होते हैं, इनका स्टॉक भी कम गिरता है। लिक्विडिटी की बात करें तो बहुत हाई रहती है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, खरीद बेच लार्ज कैप कंपनीज के अंदर चलती रहती है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई खरीदार ही ना मिले किसी स्टॉक के लिए। वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो वोलेटिलिटी इनके अंदर कम होती है, स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप कंपनीज के अंदर। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बड़ी पॉपुलर कंपनीज हम ले सकते हैं जो आपके स्टॉक एक्सचेंज में, लेट से सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज में भी आ जाती हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो उसमें आ जाती हैं, जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC, ICICI, L&T, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आपने जरूर सुने होंगे। अब बात करते हैं हम मिड कैप की। मिड कैप के अंदर रिटर्न पोटेंशियल काफी हाई रहता है, क्योंकि ये ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा हो सकती है मिड कैप के अंदर। अब मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका लेट से 4 या 5 हज़ार करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो वो हो सकता है लार्ज कंपनी, लार्ज कैप कंपनी बन जाए फ्यूचर में, अगर वो 10 गुना तक रिटर्न्स देना शुरू कर देती है, 10 गुना उसकी मान लीजिए अर्निंग्स हो जाती हैं, तो नेचुरली उसका प्राइस भी 10 गुना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 5 हज़ार करोड़ से 50 हज़ार करोड़ पहुंचने की, डेफिनेटली ज्यादा पॉसिबिलिटी है। रिस्क की अगर हम बात करें, डेफिनेटली रिस्क ज्यादा हाई होता है लार्ज कैप के मुकाबले। अगर मार्केट नीचे जाती है तो मिड कैप स्टॉक्स जल्दी नीचे जाते हैं लार्ज कैप के मुकाबले। लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी अच्छी रहती है, रीजनेबली हाई रहती है, स्मॉल कैप के मुकाबले तो डेफिनेटली काफी हाई रहती है। हाँ, लार्ज कैप में और ज्यादा लिक्विडिटी होती है। अब वोलेटिलिटी की बात करें तो वोलेटिलिटी भी इसके अंदर हाई रहती है, क्योंकि ऊपर नीचे जाता रहता है इसके अंदर प्राइस। आप कई बार कुछ स्टॉक्स में देखेंगे कि 1-2% पर डे की भी वोलेटिलिटी आ जाती है, मतलब एक ही दिन के अंदर प्राइस 1 या 2%, 3% तक भी ऊपर नीचे चला जाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डेफिनेटली, म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफी इंटरेस्टेड होते हैं मिड कैप कंपनीज के अंदर,
क्योंकि वो एक मल्टीबैगर स्टॉक की तलाश में होते हैं, उनको भी आखिर इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देने हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मिड कैप कंपनीज ढूंढते रहते हैं ऐसी कि वो लार्ज कैप बन सकें फ्यूचर में। अगर हम करंट एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने ये निफ्टी, अभी जो मैंने आपसे बात करी थी, 150 इंडेक्स से ये उठाया है, मिड कैप इंडेक्स से। यहां लिख देता हूं मैं मिड कैप। जैसे एक्जोनोबल है जो ड्यूलक्स पेंट्स बनाती है, बायोकॉन एक बायो फार्मा कंपनी है, फिर क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है, अपोलो टायर्स के बारे में भी आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो ये सारी आज की डेट में मिड कैप कंपनीज हैं। अब चलिए स्मॉल कैप कंपनीज की बात करते हैं। रिटर्न पोटेंशियल काफी हाई रहता है, इसीलिए लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की सोचते भी हैं, बट रिस्क भी काफी हाई रहता है। इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब मार्केट नीचे जाती है तो स्मॉल कैप कंपनीज सबसे पहले, स्टॉक्स जो होते हैं उनके, वो सबसे पहले नीचे जाते हैं और काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है। 25% 30% की भी गिरावट देखने को मिल जाती है। लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी लो हो जाती है, क्योंकि अगर सेलिंग एक बार स्टार्ट होती है, हो सकता है आपको कोई खरीदार ना मिले, तो लिक्विडिटी कम हो जाती है। अब क्योंकि खरीदार कम है तो प्राइस और नीचे जाने के चांसेस हो जाते हैं, और सिमिलरली जब ऊपर जा रही है मार्केट तो क्योंकि खरीदार कम है तो आपको प्राइस ऊपर जाने की भी संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें, वोलेटिलिटी काफी हाई होती है, प्राइस काफी ऊपर नीचे चला जाता है। अगर हम मिड कैप के मुकाबले बात करें तो ये वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है, और ये 5% 10% पर डे तक भी वोलेटिलिटी देखने को मिल जाती है स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कम होते हैं स्मॉल कैप के अंदर, बहुत ही कम निवेश करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एग्जाम्पल्स की मैं आज की डेट में बात करूं तो ये मैंने अभी निफ्टी 250 इंडेक्स से उठाया है, 250 स्मॉल कैप इंडेक्स से ये एग्जाम्पल्स मैंने उठाए हैं। मैं यहां पे आपको रेफरेंस दे देता हूं। तो ये अलाहाबाद बैंक फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे डाइंग, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, एस्कॉर्ट्स ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो ये कंपनीज बेसिकली स्मॉल कैप में आती हैं आज की डेट में। अब देखिए एक बात का और ध्यान रखिए, यहां पे कई बार स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप में जा सकती है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। अगर मान लीजिए उसका बिजनेस अच्छा जाता है, काफी फंडामेंटल स्ट्रांग है, वो मिड कैप बन सकती है और मिड कैप से फाइनली लार्ज कैप भी बन सकती है। और ये उल्टा भी हो सकता है, लार्ज कैप भी वापस मिड कैप बन सकती है और मिड कैप से वापस स्मॉल कैप भी बन सकती है, और होने को तो बैंकरप्ट भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है जो लार्ज कैप आज है वो हमेशा ही लार्ज कैप रहेगा। और दूसरी एक और चीज मैं मेंशन कर देता हूं, ये जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, कई बार हम इनको ब्लू चिप स्टॉक्स भी बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं पे ब्लू चिप सुनने को मिलता है तो आप ये मान के चलिए वो लार्ज कैप कंपनीज की बात कर रहे हैं आपसे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपने विचार शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इनफैक्ट आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मैं हर रोज फाइनेंस के इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे शेयर करता रहता हूं। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।